हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने हो'ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरू की इस उम्मीद के साथ में कि आप हो'ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस करोगे और आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। लेकिन आप देखते हो कि जब आपने हो'ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस की तो आपके अंदर से और घबराहट भर गई है, एंग्जाइटी भर गई है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और नेगेटिव सिचुएशंस आने लग गई और नेगेटिव पीपल आप अट्रैक्ट करने लग गए हो। एंड यू आर जस्ट वॉन्डरिंग, एम आई डूइंग इट राइट? क्या मैं सही तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और पता नहीं मेरे रिजल्ट्स इस तरह से नेगेटिव क्यों आ रहा है? इज़ इट नेचुरल और इट इज़ हैपनिंग विद मी ओनली? तो अगर आप इन प्रश्नों का जवाब खोज रहे हो और आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव सिचुएशंस आ रही है हो'ओपोनोपोनो करने से, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अ NLP कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर ऑफ 3 बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प। तो चलिए आज हम ये बात करते हैं हो'ओपोनोपोनो के लिए। तो पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने हो'ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस करनी शुरू की, पहले तो बहुत दिन तक विश्वास ही नहीं आया इस प्रैक्टिस के ऊपर में कि हाउ इट कैन हील एनी सिचुएशन, हाउ इट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, यू नो, जस्ट बाई चैंटिंग दिस 4 स्टेटमेंट्स। मतलब जब मैं चैंटिंग शुरू करी थी तो मतलब मैं 5-10 चैंटिंग करके रुक जाती थी कि नहीं, ये कैसे काम कर सकता है, लाइक किस तरीके से काम करेगा, ये मेरी लाइफ में चेंजेस लेकर के आएगा, जो सिचुएशंस आई है वो बदल देगा, लोगों को बदल देगा। मतलब कि बहुत समय तक, महीने 2 महीने आप समझ लो कि मैं इसके साथ में कोई कनेक्ट बैठा ही नहीं पा रही थी। बट देन और फिर क्या हो रहा था, और साथ में ये भी हो रहा था कि जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे और ज़्यादा, जो मैंने आपके साथ में अभी बताया कि अगर आपके साथ में ये हो रहा है तो मतलब और ज़्यादा एंग्जाइटी भर गई और गुस्सा और भर गया था। मैं देखी कि लोग, जो मैं जिनके लिए कर रही हूँ, अगर रिलेशनशिप के लिए करी तो लोग और नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, कोई सिचुएशन के लिए कर रही तो वो रिजॉल्व होने की बजाय बल्कि और ज़्यादा सामने आ रही है बड़ी रूप में और ज़्यादा चैलेंजेस आने लग गए हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि क्या ये हो'ओपोनोपोनो काम करता है, कैसे काम करेगा, लाइक हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन माई लाइफ। बट मैंने अपना फेथ रख करके जब ये करते गई नॉट टुडे, लाइक हो'ओपोनोपोनो इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। एंड इट्स लाइक कि जो चीज़ों के लिए मैं कर रही थी, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स, इतने सारे मैनिफेस्टेशंस हुए, बिकॉज ये क्लियरिंग टूल है और ये इसने इतने सारे जो मेरे इनर जो थे, जो बिलीव्स, जो डेटा प्रोग्रामिंग मेरे अंदर में थे, इसने क्लियर किया और चीज़ें मेरी लाइफ में से मैनिफेस्ट होने लग गई। एंड मैजिकल मेरे हीलिंग के रिजल्ट्स आने लग गए विद माय स्टूडेंट्स, जब मैं उनके साथ में हो'ओपोनोपोनो हीलिंग उनको करा रही हूँ और उनकी लाइफ में जब मैजिकल रिजल्ट्स आने लग गए। एंड देन मुझे समझ में आ रहा था कि ये किस तरीके से काम करता है, और जब ये वे ऑफ लाइफ बन जाती है तो इट ब्रिंग्स मैजिकल रिजल्ट्स। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप शुरू करते हो तब आपको ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस क्यों नज़र आते हैं, बजाय इसके कि वो पॉजिटिव चेंजेस आएँ जिसके लिए कि आपने हो'ओपोनोपोनो पर एक फेथ डाल के शुरू किया। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। आप सपोज करिए कि जो आपकी आज की ज़िंदगी है, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मिक्सचर है आपकी ज़िंदगी। अगर मैं आपकी ज़िंदगी को एक मेटाफर दूँ, एक सपोज करो कि एक ग्लास में एक मड का वाटर भरती है, राइट? बिकॉज पॉजिटिव भी है तो ग्लास का जो वाटर है वो पूरा क्लीन नहीं है, ऊपर से क्लीन दिख रहा है क्योंकि अभी मड क्या है, नीचे में सेटल डाउन हुआ है, राइट? अभी आप उसको छेड़ नहीं रहे हो, आप लाइफ को वैसे लिए जा रहे हो जैसे आ रही है लाइफ आपकी तरफ में, और आप बस सोच रहे हो कि क्या करना है। तो अभी क्या है, वो मड नीचे सेटल डाउन हुआ है। कभी कभी कोई एक सिचुएशन आती है तो वो हल्का सा हिलता है एंड उसके बाद में वापस सेटल डाउन हो जाता है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, जब आप हो'ओपोनोपोनो करना शुरू करते हो, अब आप 108 टाइम से शुरू कर रहे हो, जो जनरली आपकी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि आप 108 टाइम सुबह में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सुबह में करो और शाम को करो। तो अब जब आप इसको करना शुरू करते हो तो होता क्या है कि नाउ यू आर स्टरिंग दैट ग्लास ऑफ वाटर फिल्ड विथ मड, राइट? जो कि मड अभी सेटल डाउन हुआ था, अब आप उसको हिलाना शुरू कर रहे हो क्योंकि अब आप कोई एक चेंज लाने के लिए कर रहे हो, राइट? जब आप चेंज ला रहे हो एंड दैट टू डीप विद इन, बिकॉज हो'ओपोनोपोनो क्या आपके बाहरी सर्कमस्टांसेस पे काम करता है? नो, इट वर्क्स विद इन यू, राइट? इट वर्क्स इनसाइड यू। तो अब जब आपके अंदर में जब वो काम करना शुरू करता है तो आपकी वो जो मड है ना, जो नीचे में सेटल डाउन है, वो उसको आप पूरा स्टर कर देते हो, उस पूरे पानी को पूरा आप स्टर कर देते हो। तो क्या होता है कि ये जो मड है ये धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आने लग जाता है। अब आप इसको अगर कंटिन्यू करते जाते हो हो'ोपोनोपोनो को, दैट क्लीनिंग प्रोसेस, इफ़ यू कीप ऑन चैंटिंग विथ फेथ, तो क्या होता है वो मड को आप धीरे धीरे क्लीन करते जाते हो। आप देखते हो कि वो थोड़ा क्लीन हो गया। आप क्या करोगे, अगर एक ग्लास का पानी में मड है वो हिलाया आपने ऊपर में जो गंदगी है इसको आपने निकाल के फेंक दिया, आपने पानी छाना, राइट, थोड़ी गंदगी उसमें से अलग हो गई। अब वापस से आपने उस पानी को रख दिया, वापस से वो मड था नीचे सेटल डाउन हो गया। अब वापस जब आप हो'ोपोनोपोनो कर रहे हो, अगेन यू आर स्टारिंग समथिंग विद इन, तो जब आप ये वापस से कर रहे हो तो आपका वो जो अंदर का जो वो हमारे जो प्रोग्रामिंग एंड बिलीव्स है जो कि हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करी है, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू दैट मड, जो कि हमें जब तक उस मड को पूरा क्लीन नहीं करेंगे तो ये पानी जो है, ये वाटर जो है वो क्लियर नहीं होगा, वो फिर ऊपर आता है और फिर आप उसको क्लीन करते जाते हो। और फिर आप ये प्रोसेस जब करते जाते हो तो सारा मड एक दिन आपका वो क्लियर हो जाता है एंड यू बिकम अ क्लियर वाटर ग्लास। तो अगर अब आप क्या करते हो कि अगर बीच में आप घबरा करके कि पता नहीं कुछ उल्टा असर तो नहीं हो जाएगा, हो'ोपोनोपोनो कोई ब्लैक मैजिक नहीं है जो आपके कुछ उल्टा हो जाएगा। इट्स सिंपल प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, लव। तो क्या इन वर्च्यूज से कभी किसी का कुछ उल्टा हुआ है जो आपका होगा? नॉट पॉसिबल, राइट? दिस इज सिंपली मैजिक। तो जब आप इस मैजिक को कंटिन्यू करते जाते हो तब क्या होता है कि आप उस मड को क्लियर किए जा रहे हो, एंड देन यू विल कीप ऑन क्लियरिंग, कीप ऑन क्लियरिंग, कीप ऑन क्लियरिंग, विच इज़ द मंत्रा, विच इज़ द एसेंस ऑफ हो'ोपोनोपोनो। देन व्हाट हैपन्स, देन मैजिकल रिजल्ट्स हैपन। सो गाइज, डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट वरीड, घबराइए मत, ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ बुरा हो जाएगा, हो'ोपोनोपोनो करने से कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। नहीं, हो'ोपोनोपोनो करने से सिर्फ पॉजिटिव होता है। फिलहाल जो इतने सालों की आपकी जो नेगेटिविटी कहीं पे थी वो क्लीन होती है, इसलिए आपको सामने में एक बार वो मड ऊपर में आता है, उस मड को क्लियर कर दीजिए और आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में धीरे 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 पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए हैं। और जैसे जैसे पॉजिटिव चेंजेस आते जाए उनको एक्नॉलेज करते जाइए और हो'ोपोनोपोनो के लिए और ग्रेटफुल होते जाइए और इस मैजिक को करते जाइए, एंड देन यू सी यू स्टार्ट गेटिंग मैजिकल रिजल्ट्स, बिकॉज अब आपका पानी पूरा क्लियर हो चुका है, राइट गाइज? सो कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद सम पीपल हु ऑल्सो आर ऑन द सेम पेज, कि जिनको ये लग रहा है कि हो'ोपोनोपोनो करने से मेरी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव आ गया और उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको बताइए कि कीप प्रैक्टिसिंग हो'ोपोनोपोनो बिकॉज इट इज़ मैजिकल, राइट? And I will see you in the next video. If you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे videos के बारे में notification मिलता रहे। One more thing I would like you to know that कि मैं हर Thursday को 6:30 बजे शाम को 6:30 PM मैं हो'ोपोनोपोनो का फ्री वेबिनार लेती हूँ, जिसमें कि मैं आपको आगे वे फॉरवर्ड बतलाती हूँ कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो इसमें, मैं किस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकते हो विद हो'ोपोनोपोनो, एंड जस्ट बी इन द वेबिनार इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, एंड द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।